हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही ट्रेडिशनल मिठाई मोहन थाल, जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बहुत आसानी से बनेगा। उसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी बेसन। 2 कटोरी बेसन है तो 1 कटोरी शक्कर रहेगा और 3/4 कप घी। उसके अलावा मैंने लिया है 1 कप दूध, ये ऑप्शनल है। फिर ड्राई फ्रूट में बादाम, पिस्ता, कुछ इलायची और केसर। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप बेसन, मेजरिंग कप जो होता है उससे 2 कप है। उसके अलावा मैंने लिया है 3/4 कप घी। 3/4 कप घी में से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 3 स्पून घी और 1 स्पून मिल्क। मिल्क ये गर्म करके ठंडा किया हुआ, मैंने 2 कप दूध लिया था उसको 1 कप होते तक गर्म करके फिर ठंडा किया है। अब मैं इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। पहले मैंने 1 स्पून डाला है, अब मैं 1 स्पून और दूध डाल रही हूँ। दूध हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इस तरीके से मैंने कम्प्लीटली 3 स्पून मिल्क का इस्तेमाल किया है। डाल के अब मैं इसको हाथ से अच्छे से रब करूँगी। ऐसा करने से जो बेसन है उसमें एकदम मतलब मॉइस्चर की वजह से दानेदार बनेगा हाथ से रब करने से। अब मैं इसको अच्छे से प्रेस करके इसे मैं ढक के 1 घंटे के लिए रख दूँगी। बेसन को मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है, अब मैं इसे ढक के रख दूँगी। अब मैं केसर को डालूँगी पानी में भिगोने और ड्राई फ्रूट्स को काट लूँगी। 1 घंटा हो गया है, बेसन अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसको स्पून से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसको छान लूँगी। छानने के लिए मैंने लिया है एक छन्नी। छन्नी में डाला है बेसन को। बेसन को डाल के मैं इसको अच्छे से छान लूँगी। ऐसा करने से जो मोहन थाल है वो दानेदार बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। मोहन थाल में ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसको छान के थोड़े से जो दानेदार बचेंगे उसको मैं स्पून से प्रेस करते हुए छान ले रही हूँ। हमारा बेसन बनके रेडी है। अब मैंने एक पैन रखा है, पैन में डाला है 3/4 कप घी। जिस कप से मैंने लिया है उसका 3/4 कप ये घी है। आप 1 कप भी डाल सकते हो, बट 1 कप डालने से बहुत ज़्यादा घी जैसा रहेगा, ऑयली हो जाएगा। घी जैसे गर्म हो गया उसमें मैंने डाला है बेसन। बेसन डाल के अब मैं इसको धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए मिक्स करूँगी। बेसन को आप जितना ज़्यादा भुनोगे मोहन थाल उतना ही टेस्टी बनेगा। अगर आप बेसन अच्छे से नहीं भुनोगे तो मोहन थाल में बेसन का स्मेल मतलब बेसन बेसन जैसा लगेगा और मोहन थाल उतना टेस्टी नहीं रहेगा और वो बेसन की बर्फ़ी जैसा लगेगा। अब मैं इसको धीमी आँच पर लगातार चलाते हुए मिक्स कर रही हूँ। ये एक ट्रेडिशनल डिश है, आप इसे किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हो, चाहे दिवाली हो, जन्माष्टमी हो। आप देख सकते हो बेसन एकदम अच्छे से फूल गया है भून के। अब जो मैंने दूध लिया था उसको मैं थोड़ा सा इसमें डाली हूँ, डाल के मिक्स कर रही हूँ। दूध डालने से 2 फायदे, एक तो बेसन हमारा दानेदार बनेगा और हम लोग इस मोहन थाल में खोए का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो दूध डालने से खोए का भी टेस्ट आएगा, बिल्कुल मार्केट वाले मोहन थाल जैसे लगेगा। अब मैंने इसको अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लिया है। मोहन थाल में मेन यही है कि आप इसको जितना ज़्यादा भून सकते हो उतना भूनो। अब ये फिर से एकदम सूखा बन गया, मतलब अच्छे से खिला खिला बन गया। अब मैं इसमें बाकी का दूध भी डाल रही हूँ। मैंने पहले 1/2 कप दूध डाला था, अब 1/2 कप। ये दूध डाल के फिर से मैं इसको लगातार चलाते हुए मिक्स करूँगी। अब तब तक भूनूंगी जब तक कि ये ब्राउनिश या दानेदार नहीं बनेगा। आप देख सकते हो ये एकदम दानेदार भी बन गया है और ब्राउनिश भी हो गया है। अब हमारा बेसन मोहन थाल बनने के लिए रेडी है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं, एकदम बिस्किट का जो कलर होता है उस तरीके से लग रहा है, ब्राउनिश। अब मैं बना रही हूँ चाशनी। उसके लिए मैंने रखा है कढ़ाई। कढ़ाई में डाला 1 कप शक्कर और 1 कप पानी डाल रही हूँ। मैं 1 कप शक्कर ली हूँ और 2 कप बेसन था, 1 कप पानी डाला है। अब इसको हाई फ्लेम पर मैंने चाशनी बनाने के लिए रख दिया, कम पानी डाला इसलिए चाशनी जल्दी बन गई है। हमें देड़दार की चाशनी बनानी है, देड़दार की चाशनी बन गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई इलायची और केसर का पानी, जिसे हमने भिगो के रख दिया था। केसर डालने से टेस्ट तो बहुत अच्छा रहेगा ही, कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब चाशनी बन गया, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। अब मैं इसे डाल रही हूँ बेसन में, डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ है, बेसन भी थोड़ा सा ठंडा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम दोबारा से ऑन कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। ऑन करके मैं इसे सिर्फ 1 मिनट तक भूनूंगी। अब मैंने इसमें डाला है बारीक कटे बादाम और पिस्ते, डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बस मोहन थाल बन के रेडी है। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मैंने लिया एक ट्रे, उसमें घी डाल के उसे ग्रीस कर लिया है। अब मोहन थाल का बैटर मैं डाल रही हूँ ट्रे में, डाल के
मैं इसको सेट होने के लिए रख दूँगी। इसे सेट होने के लिए हमें फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस बाहर रख दो। जैसे ये ठंडा हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। मैं इसे स्पून से अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करके इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट बारीक कटे हुए, पिस्ता और बादाम। ड्राई फ्रूट यहाँ आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। मैंने डाल दिया है, डाल के मैं इसे अभी ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। थाल ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं ये अच्छे से जम गया है। मैंने इसके ऊपर पहले से ही चाकू से निशान लगा लिया था। अब मैं इसे काट रही हूँ पीसेस में। ये मोहन थाल बनाना आसान है, इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बस इसको अच्छे से भुनो, लगातार चलाते हुए रहो और चाशनी बनाते समय थोड़ा ध्यान से बनाओ। बस हमारा दानेदार टेस्टी खुशबूदार मोहन थाल बन जाएगा। मैं आपको एक पीस निकाल के दिखा दे रही हूँ, आप देख सकते हैं ये मोहन थाल कितने अच्छे से बना है, कितना दानेदार बन गया है। आप भी ये टेस्टी मोहन थाल बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।